और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जमीयत उलेमा हिंद की बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। बैठक बता दें कि सुन्नी कॉलेज में ये बैठक होगी, CAA NRC को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। मौलाना अरशद मदनी इसमें मौजूद रहेंगे, तो थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जमीयत उलेमा हिंद की ये बैठक, और थोड़ी ही देर में ये जानकारी मिल रही है कि ये बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक को लेकर देखिए किस तरीके से ये जानकारी मिली है, सुन्नी कॉलेज में ये बैठक हो रही है और CAA NRC को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। तो बैठक को लेकर ये बड़ी खबर, मौलाना अरशद मदनी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होगी जमीयत उलेमाए हिंद की ये बैठक। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता उवैस हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उवैस, क्या जानकारी, कब तक ये बैठक शुरू होगी? बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर के बाद लखनऊ के जो सुन्नी डिग्री कॉलेज है वहां पर ये बैठक होगी और इसके अंदर में 37 जो जिले हैं उनके जो कार्यकारिणी है उसको लेकर के ये बैठक है, जिसके अंदर में तमाम जो अहम मुद्दे हैं उनको जमीयत आज उठाने वाली हो रही है। हालांकि जिस तरह से CAA और NRC को लेकर के अरशद मदनी के लगातार बयान सामने आते रहते हैं, तो ये स्पष्ट हो चुका है कि आज इस बैठक के अंदर में भी CAA और NRC को लेकर के अरशद मदनी चर्चा कर सकते हैं। हालांकि 37 जो जिले हैं उनकी कार्यकारिणी को लेकर के बैठक हो रही है, जिसके अंदर में तमाम जो अहम फैसले होंगे उन पर चर्चा होगी। हालांकि जो अरशद मदनी है उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो तमाम जिले की जो इकाइयां हैं जमीयत की उनका विस्तार किया जाए, उनको बढ़ाया जाए, और जो त्रिमासिक रिपोर्ट होती है उस पर भी आज अरशद मदनी जो 37 जिलों के कार्यकारिणी की बैठक है उसके अंदर चर्चा करेंगे कि जो जिलेवार की जो बैठक है उसके अंदर में लगातार वो बैठकें जारी की जाए और उसका विस्तार को बढ़ाया जाए और त्रिमासिक रिपोर्ट लगातार प्रांत के जो उनके मंडल के अधिकारी होते हैं उन तक पहुंचाने का काम किया जाए। हालांकि अरशद मदनी के साफ तौर पर जो बयान है वो अक्सर सामने आते रहते हैं और आज खुद जो जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद मदनी वो लखनऊ के अंदर पहुंचे हैं और उनका साफ तौर पर क्योंकि अमित शाह के बयान बालिकाएं हैं, जमीयत का मंथन देखने को भी मिल सकता है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं हलचल है, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, जब से अमित शाह का बयान आया था तब से लेकर के तमाम जो मुस्लिम संगठन है उनके अंदर में एक खलबली सी मची हुई थी, जिसको लेकर के अरशद मदनी भी आज उन पर निशाना साध सकते हैं, वो भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि इस बैठक के अंदर में जो अहम मुद्दे होने वाले हो रहे हैं उसके अंदर एक अहम मुद्दा ये भी है कि मुसलमानों का जिस तरह से शोषण हो रहा है, जो उस तरह अरशद मदनी का एक अभी प्रेस नोट जारी किया गया है उसके अंदर इसको दर्शाया गया है, तो जो मुस्लिम समुदाय के मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाएगी और अमित शाह के जो बयान है उस बयान को भी कहीं ना कहीं अरशद मदनी इन मुद्दों के साथ जोड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी से कुछ ही देर के बाद अरशद मदनी पहुंचेंगे और अरशद मदनी पहुंचने के बाद इस जो बैठक है इसका एक अहम हिस्सा बनेंगे, क्योंकि वो इसके अंदर शिरकत करने वाले हैं और क्या जो 37 जिलों के कार्यकारिणी की बैठक के अंदर जो पदाधिकारी हैं उनको क्या दिशा निर्देश अरशद मदनी देते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से कक्षा 8 तक के स्कूलों को खासतौर से बालिकाओं के लिए खोलने की बात की जा रही थी उसको लेकर के अरशद मदनी आज सवाल उठाने वाले हो रहे हैं, और वहीं पर जो मुस्लिम समुदाय के जो मुद्दे हैं खास तौर पर उन पर चर्चा अरशद मदनी की ओर से आज देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी कुछ समय के बाद अरशद मदनी पहुंचेंगे। हालांकि 12 बजे का टाइम था लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, लगभग आधा घंटे के करीब बाद अरशद मदनी यहां पर पहुंच जाएंगे। तमाम जानकारी के लिए उवैस आपका। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं, मौलाना अरशद मदनी भी इस बैठक में शामिल होंगे, जमीयत उलेमाए हिंद की ये बैठक। लखनऊ से खबर, जहां पेयजल लाइन बिछा रही कंपनियों पर